हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्ग तीन सेकंड काउंसलिंग की चयन सूची जारी हो चुकी है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने पदों के लिए ये भर्ती निकली थी और कितने पद इसमें भरे गए हैं और कट ऑफ कितना कम हुआ है। हर एक कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ देखेंगे, किस कैटेगरी के गेस्ट फैकल्टी या नॉन गेस्ट फैकल्टी में कितना कट ऑफ गया है। अगर आपका नाम सूची में आता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैं अभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसकी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही मैं अपडेट करूंगा वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें देखना यह है कि अगर आपका नंबर अधिक है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आप उसमें देखेंगे तो कोई ना कोई उनको रिजर्वेशन मिला है जिनके नंबर कम है, या तो वह विकलांग कैटेगरी से हैं, हैंडीकैप कैटेगरी से हैं या गेस्ट फैकल्टी से हैं, तो इनके कट ऑफ कम होने के कारण भी इनके सिलेक्शन हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है तो अभी आपका ये आखिरी मौका नहीं था। अभी ट्राइबल की जो सेकंड काउंसलिंग की अभी रोस्टर जारी होना बाकी है। आपको संघर्ष करते रहना है, अधिक से अधिक वेकेंसी के लिए सरकार को बाधित करना है कि अधिक से अधिक वेकेंसी आ जाए जिससे अधिक लोगों को इसमें सिलेक्शन मिल जाए। तो देखते हैं कि कितनी वेकेंसी पर कितना कट ऑफ कम हुआ है। हर एक कैटेगरी का यहाँ पर मैं सेपरेट बना के लेकर के आया हूँ। जैसे कि मैंने आपसे जब पिछला वीडियो बनाया था जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपकी जो पोस्ट अधिक आती हैं तो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसमें मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज गेस्ट नॉन गेस्ट मेल फीमेल अलग अलग कट ऑफ देख आपके सामने लेकर के आए हैं। पिछला कट ऑफ क्या था और वर्तमान में कट ऑफ क्या है, कितने नंबर कम हुए हैं कट ऑफ में, और जो ट्राइबल की वेकेंसी आने वाली है उसमें कितने नंबर कम हो सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से मैं अलग अलग इम्पोर्टेंट जानकारी आपके सामने लेकर के आता रहता हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आगामी जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो कट ऑफ है ये कल जो लिस्ट आई थी उसको मैंने एनालिसिस करके बनाए हैं। पिछला कट ऑफ क्या था, वर्तमान में क्या है, कितने नंबर कम हुए हैं, ये जिससे आप ये जानकारी लगा सकते हैं। यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो गया है तो अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई सभी शिक्षकों के लिए जो अभी बनने वाले हैं, और जिनका नाम नहीं आया है वो निराश ना हो, उनका नाम अभी जो ट्राइबल लिस्ट है उसमें आने की संभावना बन जाती है। तो देखें फ्रेंड्स, गेस्ट फैकल्टी में मेल कैटेगरी का जो कट ऑफ पिछला था 107.78 था और यह लगभग 7 अंक कम होकर के, लगभग 7 अंक कम हुए हैं और लगभग 7 अंक कम होकर के 100.81 पर गेस्ट फैकल्टी में मेल का कट ऑफ फ्रेंड्स गया है। अगर गेस्ट फैकल्टी में फीमेल की बात करें तो पिछला कट ऑफ था 103.77 और यह लगभग 9, लगभग 4 और 3 7, 7 अंक ये भी पीछे होकर के 96.202 पर ये आकर के रुक गया। गेस्ट फैकल्टी अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल पोस्ट थी फ्रेंड्स 430 स्टूडेंट्स को इसमें लिया गया है। अब उसमें रोस्टर में देखना है कि कितनी पोस्टें थी और कितने पर वेकेंसी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें लगभग 50% वेटिंग भी शामिल है, तो अभी इस पर भी बात होने वाली है। अब रिजर्व कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी में नॉन गेस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो 115 कट ऑफ था मेल का पिछला और ये लगभग 5 अंक पीछे होकर के 110.17 ये आकर के रुक गया। फीमेल कैटेगरी का 112 था और 7 अंक पीछे आकर के 105.07 कट ऑफ फीमेल कैटेगरी का है। मतलब इससे अधिक नंबर वाले जो अनरिजर्व कैटेगरी के महिलाएं हैं उनको इसमें सिलेक्शन मिल गया। और नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए फ्रेंड्स लगभग 2679 पोस्टों पर ये अभ्यर्थी को शामिल किया गया है। अगला जो कैटेगरी है वह है ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी में फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं 104 अंक था पिछला कट ऑफ और लगभग 4 अंक
माइनस हो करके 100 पर ये गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ मेल का आ गया और फीमेल का 98 से घट करके 94 तक ये कट ऑफ चला गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी लगभग 4 अंक का यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है, कम हुए हैं। और गेस्ट फैकल्टी ओबीसी कैटेगरी में 1009 पोस्टों पर अभ्यर्थियों को चुना गया है। नॉन गेस्ट फैकल्टी की बात करें फ्रेंड्स, तो नॉन गेस्ट फैकल्टी में भी लगभग 5 अंक पीछे होकर के कट ऑफ 105 नंबर मेल कैटेगरी में इसमें रह गया और 107 से 105 नंबर तक कट ऑफ फीमेल में गया है नॉन गेस्ट का। आप यहां पे सिमिलरिटी देख रहे होंगे, मेल में भी 4 नंबर कम हुए, फीमेल में भी 4 नंबर हुए गेस्ट में। ऐसे ही मेल में नॉन गेस्ट में 5 कम हुए, फीमेल में 5 कम हुए, तो लगभग कट ऑफ डिक्रीमेंट लगभग सेम हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लगभग 7 अंक यहाँ पे कम हुए, 7 अंक यहाँ पे, यहाँ फीमेल का कट ऑफ ज्यादा डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट अगली जो कैटेगरी है फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी कम कट ऑफ गया है। गेस्ट फैकल्टी में फ्रेंड्स देख सकते हैं 105 से 5 घट करके लगभग 100 पर ये कट ऑफ आकर के रुक गया मेल का। और वहीं फीमेल की बात करें तो 100 से लगभग 4 अंक पीछे होकर के 96 तक यह कट ऑफ पहुंच गया है और इसमें गेस्ट फैकल्टी के लगभग 609 अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस की नॉन गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो 110 पिछला कट ऑफ था फ्रेंड्स, तो लगभग 5 अंक इसमें भी कम हुए हैं और 105.5 तक नॉन गेस्ट फैकल्टी मेल का कट ऑफ क्लियर हुआ है। वहीं महिला का कट ऑफ भी 4 अंक पीछे होकर के 103.7 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। नॉन गेस्ट फैकल्टी में ईडब्ल्यूएस की सीट्स मान लो 960 सीटों पर यहां पे फ्रेंड्स इसको लिया गया है। आगे बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में देख सकते हैं गेस्ट फैकल्टी 75.74 से घट करके 75.08। यहाँ पे आपको पता है कि एसटी कैटेगरी में जो स्टूडेंट है वो बहुत ही कम स्टूडेंट पास हुए हैं, तो ये कट ऑफ लगभग यहाँ की पासिंग मार्क तक इनका चला गया है ना। तो लगभग जितने भी स्टूडेंट इसमें पास हुए होंगे उसको इसमें क्वालिफाई कर दिया गया, तो लगभग 38 स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिया गया है। ऐसे ही नॉन गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो यहाँ भी 75 और यहाँ भी 75 तक कट ऑफ इसका चला गया। क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स पास थे जितने भी, उनको सारे स्टूडेंट्स को लगभग उसमें ले लिया गया है, जितने उत्तीर्ण थे जितने क्वालिफाई थे उनको ही इसमें लिया गया है। तो लगभग 1155 पोस्टों पर एसटी कैटेगरी में नॉन गेस्ट फैकल्टी के स्टूडेंट्स को लिया गया है। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें फ्रेंड्स तो मेल का कट ऑफ गेस्ट फैकल्टी में लगभग 6 अंक पीछे होकर के 91.29 पर यह आकर के रुक गया। मतलब इतने नंबर तक के जितने स्टूडेंट उनका सिलेक्शन हो गया एससी कैटेगरी में। वहीं 8 अंक पीछे होकर के 80.2 कट ऑफ हो गया है फीमेल का एससी कैटेगरी में। इसमें जो पोस्टों की बात करें तो 603 पोस्ट फ्रेंड्स इसमें आई थी जो इसमें सिलेक्शन हुए हैं। नॉन गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो 104 से लगभग 8 अंक पीछे होकर के 96.6 अंक तक नॉन गेस्ट फैकल्टी मेल का इसमें सिलेक्शन हो गया है। और वहीं ऐसे ही 8 अंक पीछे होकर के 93.7 अंक तक फीमेल का कट ऑफ नीचे गया है। 1789 पोस्टें इसमें आई थी फ्रेंड्स। तो जो जिनका सिलेक्शन हुआ है फ्रेंड्स वो अपने कट ऑफ इसमें देख सकते हैं और जिनका नाम लिस्ट में आया है उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका नाम नहीं आया है फ्रेंड्स उनके लिए ये आखिरी मौका नहीं था, अभी बेटिंग क्लियर होंगी, कुछ लोग आयोग उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वापस होंगे तो आपको उसमें चांस मिल सकता है। साथ ही साथ जो अभी ट्राइबल की वेकेंसी आने वाली है, हमें करना यह है कि ट्राइबल की वेकेंसी अधिक से अधिक जारी हो, अधिक से अधिक रोस्टर, अधिक से अधिक वेकेंसी पर रोस्टर जारी हो, अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को उसमें मौका मिले, तो हमें यही प्रयास करना है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपके नंबर भी कम होंगे तो उसमें आपका चयन हो सकता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि कितने पोस्ट पर लगभग कितने अंक पीछे कट ऑफ आता है, सारी जानकारी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसी तरीके से हम ट्राइबल की भी जो कट ऑफ है उसको भी डिस्कस करेंगे, ट्राइबल के कट ऑफ को भी देखेंगे कि कितना पीछे आ सकता है। अगर मान लो 10,000 वेकेंसी आती है तो लगभग 5-6 अंक पीछे कट ऑफ सारी कैटेगरी में जाएगा लगभग फ्रेंड्स, एवरेज लगाया जाए। तो इस सभी जानकारी को हम इसमें क्या करेंगे,
कंट्रीब्यूट करके आपके सामने लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरीके से इम्पोर्टेंट जानकारी चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी कुछ देर बाद आपको एक नई वीडियो मिलेगी जिसमें जो जिन अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं भी हुआ है उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, और EWS के लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, उसके लिए भी वीडियो आपके सामने आने वाली है फ्रेंड्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।